इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार समझ गई, बड़ा हरामी हो बेटा। मजा आया। हम अटैच कर सकते हैं इसको। बड़ा खाते हो आप जब डिटॉक्स करना होता है ना आपको। बीटरूट। बीटरूट, बीटरूट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है चचुंदर। चचुंदर। चचुंदर कुछ भी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। रणबीर बता रहे हैं कि आपकी हॉलीवुड में काफ़ी दोस्ती है, तो ऐसे मतलब अंजेलिना जॉली वगैरह मैंने सुना आजकल सिंगल है। I just heard about her. नाम उनका तो बहुत सही लेते हैं आप। ये नाम तो एकदम सही कहा इन्होंने, एंजेलिना जोली। पाजी रणबीर को स्पेशल बधाई, ये मामा बनने वाले हैं क्योंकि करीना कपूर हैं, वो मम्मी बनने वाली हैं, सैफ भाई पापा बनने वाले हैं और मैं चाचा बनने वाला हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं चाचा इसलिए कि सिस्टर होंगी आपकी, हमारे लिए तो करीना कपूर है। मजा आया। आपको भी लग रहा होगा कि मैं आपको भाव नहीं दे रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं, तो प्लीज टेक सम भाव। अनन्या, हम देख रहे हैं कि आप काफी पॉपुलर हो चुकी हैं और लोग आपकी एक झलक के लिए तरसते हैं। आप जहाँ भी जाती हैं, आप जिम में जाती हैं तो फोटोग्राफर्स आ जाते हैं, मैम एक फ़ोटो एक फ़ोटो। आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे लोग फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितने देर पहले उनको कॉल कर देती हैं आप? बच्चे लोग का सवाल था कि जैसे आप भूमि है, ठीक है, तो आपकी और कार्तिक की शादी होगी तो आप लोग को बच्चे होंगे या घास? तेरे को मालूम है क्या सुनील शेट्टी इनका बेटा है? किनका? इनका। कैसे? मेरा। हाँ, बोलता रहता नहीं, धरती मेरी माँ है। मजा आता, अंदर से तो कुछ और ही होना मेरे को अच्छा लगता है। तो समझ गई भाई। अंगूर रख, खुद रख ले शूट में भी। खाना तो अपने सेब खा। सारा फिल्म में वरुण कुली बने हैं। हाँ जी। तो जब आप ट्रैवल करते थे साथ में, हाँ जी, तो आपको कुली की जरूरत पड़ती थी या वरुण काफी था? वरुण हमेशा काफी। उठाते थे आपका सामान? हाँ, हमें भी उठा देते सामान का। जरा सीन है, सबर करो। बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट बच्चा है, बहुत ही। आपने देखा ना कैसे मुझे गोद पे बिठा कर। अबे बेटा मौज कर दे। सर मेरे को प्रोमो बहुत अच्छा लगा, दे दे प्यार दे का। उसमें पूरी पिक्चर में आप बोल रहे दे दे प्यार दे, है ना सर? सर एक तरफ है तब्बू जी, एक तरफ है राकुल, फिर भी प्यार के लिए क्यों हो इतने व्याकुल? शाबाश बेटा। अजय रितेश इस फिल्म में ना 3 फुट के विलन का रोल कर रहे हैं। वैसे जब आदमी छोटा आता है उसका सब कुछ छोटा हो जाता है। रकुल आपके स्कूल में या कॉलेज में जैसे देसी द वर्ड प्ले, तो आपकी वजह से कभी ऐसे झगड़े वगैरह हुए? रुको जरा सबर करो। रहा नहीं जाता। नहीं, मैंने मतलब झगड़ा किया है, मैंने मारा पीटा है लड़कों को। लेकिन किसके लड़कों को? क्यों? क्यों? मतलब जो ढंग से बिहेव नहीं करते थे आपकी तरह वाले। म्यूजिक। शाबाश। मजा आया। एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ। कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब, और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको। आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। प्यारी समझ गई। आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। क्या खाती क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैन है, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा गरीब आदमी का। कुछ क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाती हैं पराठे? मतलब ये मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं भी जाती है ना, लोग बोलते हो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते मैडम डस के दिखाइए ना? बड़ा हरामी हो बेटा। मैं नेहा को भी बैकस्टेज बोला था, मैं कहा नेहा मुझे लगता था कि तुमसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं है, पर एक्चुअली इसने दूल्हा भी ऐसा ढूंढा इतना क्यूटेस्ट। वाह, हनीमून पे कुछ चीजें रह गई थी जो यहाँ पे भी हो रही है। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। You know he is a beautiful human being. He treats everyone same तरह और बाकी हैंडसम तो है ही इतने के है। हमारा जब शूट खत्म हुआ इन्होंने मुझसे बोला कि आपका स्नैपचैट आईडी क्या है? अच्छा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। शादी के पहले आप खेलते थे अकड़ बकड़ बम्बे को, अब आप खेलते हो ककड़ ककड़ खम्बे को। बड़ा हरामी हो बेटा। मसा मसा इनका हनीमून भी खत्म हुआ है और बच्चों की बात कर दी, बताइए है ना। रिजल्ट इन्हीं चीजों के बाद आते हैं, आपको नहीं पता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रियल लाइफ में इन्होंने जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान हैं, वो आरजे हैं, और उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के? आपको क्या लगता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। म्यूजिक मजा आया। बड़ा हरामी हो बेटा।